हेलो आप बोल रहे मातरम भैया? मातरम भैया हाँ बोल रहे थे भैया कि खांसी बहुत तेज आ रही है एकदम। खांसी भी आ रही है, खांसी आ रही है, आंधी थोड़ी आ रही है, चिंता क्यों करोगे, उड़ थोड़ी जाओगे? और नहीं, बहुत परेशान हो गए एकदम, एकदम दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। हाँ कोई बात नहीं, चिंता ना करो, घर में अभी दालचीनी है, काली मिर्च और दालचीनी है। हाँ हाँ दालचीनी और काली मिर्च है, दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके एक कप पानी में उबालो। हाँ। और उसमें मुनक्का मिला लेना, घर में मुनक्का होगा। हाँ। मुनक्का या कितनी हो ना हो तो कोई बात नहीं, एक एक सूट करके पियो आराम आराम। काढ़ा पी रहे थे उसका, दालचीनी काली मिर्च तुलसी पत्ता सब उठा के फेंक दो, ठीक है? मैंने क्या बोला, बंद करना दादा से पूछे जी लो जी। हेलो हेलो हाँ बंदे मातरम भैया, बंदे मातरम भैया बोल रहे थे कि आप काढ़ा वो पिए मुलेट क्या दालचीनी और काली मिर्च का, उसमें मुनक्का डाल के उसके बाद से मुलेठी का गड़ारे किए, अभी सुबह सो के उठे फिर खांसी आ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा ब्लड आ गया। कोई बात नहीं, अभी ऐसा है थोड़े दिन नियमित कर लो। हाँ पहले से कल से कुछ आराम है नहीं आराम है ये बताओ? नहीं वैसा ही है, अभी वैसा ही है। क्या हो रहा है? हाँ। गले में लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है और खांसी आ रहा है, पूरे सीने में दर्द कर रहा है, कफ निकल रहा है। अच्छा हाँ बाकी सब चीज गंदन करो, सिर्फ मुलेठी के गरारे करो और मुलेठी को पियो जी, बाकी कोई काढ़ा वाला नहीं पीना है, वो सब बंद कर दे, केवल मुलेठी के गरारे करे और पिए। हाँ जी ठीक है, अगर दोबारा खून आता है तो बताना। जी जी बिल्कुल जी, बंदे मातरम दिन में 3-4 बार करो इसको। जी ठीक। हेलो बंदे मातरम भैया। जी बंदे मातरम भैया। और जी भैया क्या हाल है? बिल्कुल अभी बहुत बहुत आराम है, बहुत आराम है। हाँ हाँ बिल्कुल, दवा चलाए कल दोपहर शाम को बताए आप, कल शाम में 2 बार किए, आज 3-4 बार किए हैं, अभी बहुत आराम है। नहीं तो दम घुटता था एकदम, खांसी रुकती ही नहीं थी, अभी शाम का समय है एकदम, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो खांसी एकदम बात अभी नहीं कर पाता था एकदम लगातार खांसी। कितने दिनों से समस्या थी? 10 दिन से हम परेशान थे, अंग्रेजी दवा कराए, 2500 का इलाज कराए, अब 500 तक इलाज में ठीक हो गया। कैसे बताइए, कैसे 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 लिए थे? जैसे सौंठ लिए, क्या कहते हैं कि उसको मुलेठी लिए थे, मुलेठी को पानी में तोड़ के डाल दिए और एक गिलास पानी था उसको खोला है, जब आधा गिलास बच गया तो उससे गरारे किए और जो कुछ बच गया तो उसमें मुनक्का डाल के कुछ देर के बाद फिर उसको घूट सिप सिप करके पी गए और मुनक्का चबा के खा गए, और उसको क्या कहा था कि काली मिर्च और दालचीनी का कल काढ़ा लिए थे, आज काढ़ा नहीं लिए थे, काली मिर्च और दालचीनी का काढ़ा लिए उसको पिए, आज दिन भर में मुलेठी को पिए और गरारे किए हैं, अभी बहुत आराम है, अभी 2-3 दिन हम कंटिन्यू कर देते हैं कि जब से खत्म हो जाए। हाँ अभी तो बहुत है। चल बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने घरेलू पे विश्वास किया इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने घरेलू के साथ रहे। भैया आभार, मुझे आपका व्यक्त करना है कि हम आपकी वजह से हम ठीक है, अंग्रेजी दवा खा के मुझे थोड़ा सा रिलैक्स नहीं मिल रहा था, और देसी अपने घरेलू उपचार किए, अभी हम बात कर रहे हैं अच्छा से स्वस्थ हैं, नहीं तो अंग्रेजी दवा खा रहे थे कोई असर ही नहीं कर रहा था, डॉक्टर से बोल रहा था डॉक्टर दवा बदल देता था, और घरेलू उपचार किए एकदम, अभी बात कर रहे हैं ठीक है। अब बाबू इसको ना कम से कम तो 30 दिन तक ले लेना, ताकि शरीर में जितनी भी कमजोरी रह गई होगी वो सब कमजोरी भी बाहर कर देगा। जी जी, क्योंकि आप बता रहे थे ना खांसते खांसते दर्द हो रहा था शरीर में, सीने में दर्द हो रहा था पूरे। हाँ, हाँ तो सारा का सारा दर्द वगैरह सब खत्म कर देगा, ठीक है? जी 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 बिल्कुल, या मैं आप लोगों से यही कामना करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से घरेलू पे भरोसा करें पहले, ठीक है?
और आगे भाइयों को भी, जो अपने अपने अनुभव हैं, भाइयों को भी बताएं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार जिनको भी हैं, भाई सामने वाला करे ना करे अलग बात है, हमें अपना फर्ज निभाना है, लोगों को बताना है। राजीव भाई, राजीव भाई अपने सभी व्याख्यानों में ऐसे ऐसे उपचार बताए जो सरल उपचार थे, उसको आज भी कोई इंसान नियमित तौर पे उसको इस्तेमाल करता है तो उसका दुख जरूर दूर होता है। दिक्कत ये आती है कि लोग चार दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं राजीव भाई ने बताया था, हमने तो किया था, हमें तो फर्क नहीं पड़ा। भाई डॉक्टर की दवाई सालों तक खाने को तैयार है, लेकिन घरेलू को सालों तक, सालों तो क्या 10 दिन देने को तैयार नहीं।